संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया गया, उनकी मिमिक्री की गई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के दिग्गजों समेत तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने निंदा की और दुख भी जाहिर किया। तो संसद की कार्यवाही में खलल डालने पर कुछ विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, क्योंकि हंगामा यहां पर किया जा रहा था। लेकिन इस पर राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित सांसदों ने संसद की पुरानी इमारत से विजय चौक तक पैदल मार्च किया और रोष जाहिर किया। निलंबित सांसदों का कहना है कि सरकार उनकी आवाज को दबा रही है। तो वहीं उपराष्ट्रपति की नकल उतारने को लेकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए और विरोध जाहिर कर रहे हैं। हरियाणा के भी तमाम जिलों में विरोध देखने को मिला। कांग्रेस के एक सांसद ने संवैधानिक पद की एक अशोभनीय घटना किया, उन्होंने जिस तरह से संसद में अशोभनीय घटना किया उसके लिए हम सब यहाँ निंदा करते हैं, और यहाँ कांग्रेस पार्टी का और उस सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला फूटने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि यदि कोई सांसद है तो वो संसद भवन में आकर देश के उत्थान की बात करे, देश को आगे बढ़ाने की बात करे, सकारात्मक सोच के साथ। यदि वो विपक्ष में भी है तो अपने भाव को रखे ताकि समझ पाए कि वो देश के कल्याण की बात कर रहा है। वहीं झज्जर में धनखड़ खाप भी अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आई। उप प्रधान जयपाल फतेहपुरी ने पंचायत की अध्यक्षता की। करीब दो घंटे तक चली इस पंचायत में सभी वक्ताओं ने इस पूरे प्रकरण पर अपना विरोध भी जाहिर किया। हमारी धनखड़ खाप सरदार ने यही निर्णय लिया है, अब जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, वो किसी विशेष समुदाय से मत लगा, उसको वो सारी किसान जाति का हितैषी है। उसका अपमान किया गया सांसदों द्वारा, जब लग उसके साथ न्याय नहीं होगा उससे माफी नहीं मांगेंगे, जब लग हम चैन से नहीं बैठेंगे। बैठक में निर्णय ये लिया गया है, देखो हमारे ऊपर बड़ी और भी खापे हैं, उनके कॉल हमारे पास आ जाएगी, वो दो दिन का कहेंगे, तीन दिन का या चार दिन का, कुछ भी है उस टाइम हम सभी वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देंगे। उपराष्ट्रपति का मजाक बनाने के मामले में बीजेपी देशव्यापी प्रदर्शन कर विरोध जाहिर कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया। नेता कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर कर अपना रोष जता रहे हैं। दिल्ली से विनय सिंह, करनाल से हिमांशु नारंग, झज्जर से प्रदीप धनखड़ और रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।